हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग क्लास फोर्थ पास आउट करके क्लास फिफ्थ में आए हैं। उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। ये देखिए बेटा, ये आपकी क्लास फिफ्थ की मैथ्स की बुक है, जिसमें ऊपर का कवर जूनियर मैथ्स ए दास गुप्ता आपकी बुक के राइटर हैं। ये देखिए, हम आपको आपकी बुक का पहला पेज दिखाते हैं। ये आपकी बुक का फर्स्ट पेज, ये आपकी बुक का कंटेंट्स, यानी कि आपको पूरे साल में इतने चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका पहला चैप्टर रिव्यू। बेटा, रिव्यू चैप्टर क्या होता है कि आपने लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ा हुआ है, आपने लास्ट क्लास में जो चीज़ पढ़ा है, सबका मिक्सअप होता है, ठीक है। इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। तो आज हम आपको रिव्यू पढ़ाते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1A 1B से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही है, वो चीज़ आप सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपके पास नई कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो लास्ट ईयर की पुरानी कॉपियां बची हैं, आप उसमें से जहां पर आपके पेज बचे हुए हैं वहां पर से आप उस कॉपी को मैथ्स की कॉपी बना लें। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप नया कोर्स आपको मिल जाएगा, आप उसमें नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, मैं आपकी बुक का क्वेश्चन बताता हूँ। ये जैसे मैंने आपकी क्लास का बुक का फर्स्ट ए एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है कि राइट यूजिंग रोमन नंबर को यूज़ करके लिखना है। यह है 4, 6, 8, 9, 11, 25, 33, 40 और 45। इसको रोमन नंबर में आपको लिखना है। तो 4 IV 4 होता है, 6 VI, 8 VIII, 9 IX, 11 X, 25 XXV, 33 XXX, III, 40 XL, 40 हो गया, 45 XL, XL 40 हो गया, और 545। इसी तरह बेटा आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्रेडेसर। प्रेडेसर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स आपको दिए गए हैं तो उस नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं। प्रेडेसर में 1 माइनस कर दिया जाता है और सक्सेसर में 1 प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 30,000। 30,000 में से 30,000 का प्रेडेसर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ 30,000, जब 30,000 से हम 1 माइनस करेंगे तो 0 में से 1 निकाल, सॉरी, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 निकाल देंगे, 9, यहाँ 9 बचेगा तो 9 उतर आएगा, यहाँ 9 तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ से 2, 3 से कैरी गया तो 2 बचेगा। तो ये बच्चा जब प्रोड्यूसर 1 निकाल देंगे, 29,999। इसी तरह बेटा आपके पास है 52,000। 52,000 में से 1 माइनस करेंगे तो 51,999। ये मैंने आपको करके दिखाया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू गिवन और अंडरलाइन डिजिट, यानी कि अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू हमको निकालनी है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। चलिए 2, 5, 6 की प्लेस वैल्यू 2 लिखा, प्लेस वैल्यू 2 की निकालते हैं। तो 2 इंटू 1 लिखते हैं। अब देखें, 2 के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देंगे। तो 2 इंटू 1, 4 डिजिट है, 40, ये 20,000। प्लेस वैल्यू 5 की निकालेंगे तो 5 इंटू 1, 5 के बाद 3 डिजिट, 30, 5,000 हो गया। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू 1, 6 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 बढ़ा देंगे, 600। इसी तरह बेटा आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डू दिस सम। सम करना है हमको। सम के लिए ऐड करेंगे, 4, 7, 11 का 1 कैरी 1, 5, 1, 6, 6, 8, 14 का 4 कैरी 1, 7, 6, 1, 7, 8, 3, 11 का 1 कैरी 1, 9, 1, 10 का 0 कैरी 1, 7, 1, 8, 1, 9 ये हो गया। इसी तरह बेटा आपको अब हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो हमने आपको होमवर्क दिया, होमवर्क को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में। डू द सम,
इसको आपको रॉ में लिखा गया है, इसको आपको कॉलम में लिख के आपको ऐड कर देना। जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है इस तरह आपको इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोड्यूसर, जैसे मैंने आपको प्रोड्यूसर बताया है कि यानी कि एक माइनस कर देना है, तो इसमें आपको प्रोड्यूसर करना है, इस नंबर में प्रोड्यूसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। देखिए जो मैंने कलर किया है, जो कलर किया है वही अंडरलाइन डिजिट है। तो 3, 4, 5 की प्लेस वैल्यू, 5, 2 और 7 की प्लेस, 5, 2 और 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना है। जो नंबर यहाँ पर कलर है वही आपके प्लेस वैल्यू इनकी निकालना है। ठीक है, खूब अच्छे से करिएगा, खूब मेहनत कीजिए। ओके।